नमस्कार बच्चों, देखिए अभी अभी वायरल हो रहा है कि यूपी टेट की परीक्षा रद्द कर दी गई है। ये जो रात में ही लीक हो गया था, आपने सुना होगा कि जो है रात में ही कई लोगों के व्हाट्सएप पे जो है इसको व्हाट्सएप किया गया था कि परीक्षा पेपर सहित जो है व्हाट्सएप पे जो है कई न्यूज़पेपर कई जो है चैनल वाले ने भी किया था कि जो है परीक्षा जो है रद्द कर दी गई। एसटीएफ टीम भी लगी हुई है, जांच भी हो रहा है बार बार। देखिए आप जो है अभी हाल ही में ये तुरंत ये न्यूज आ रहा है कि बच्चे जो है परीक्षा जो हैं वो सब छोड़ के सब अपने घर जा रहे हैं, बहुत निराश हैं। ये जो है बच्चों जो अच्छी तैयारी कर रहे थे उनके साथ बहुत बुरी खबर है, सभी लोग सचेत हो जाएँ। फिर कहा जा रहा है कि जो ये परीक्षा है एक महीने के बाद करा दी जाएगी, यानी एक महीने के भीतर। लेकिन आप मान के चलिए कि इसकी ये परीक्षा जो है आपका जनवरी फरवरी तक हर हाल में हो जाना है। इसलिए अब आपको मैं कौटिल्या बलरामपुर से बोल रहा हूँ, वीरेंद्र मिश्रा, आपको याद होना चाहिए कि इस बार आप बम्पर तैयारी में रहिए। जो यहाँ से पढ़ाया गया है वही आया है। ये देखिए आपके सामने एक छात्र छात्रा हैं जो आपको कौटिल्या के बारे में बताएंगी। ये लीजिए मैम। सर हाँ, मैं पूनम जायसवाल कौटिल्या की पढ़ी हुई हूँ। यहाँ मतलब पढ़ाया गया था, बहुत अच्छा आया पेपर, निरस्त कर दिया गया, इसलिए बहुत निराशा हुई। पेपर बहुत ही अच्छा आया था। अब इसके आगे देखिए, अभी छात्रा जो परीक्षा छोड़ के आई है, और मैं चाहता हूँ कि अब जो है आप लोग नए ऊर्जा के साथ नए जोश के साथ इसकी तैयारी पुनः करते रहिए, जिससे जो है आपको भविष्य में जो परीक्षा हो उसमें आपका बिल्कुल एक सीट क्लियर रहे, आपको अध्यापक बनने के लिए बिल्कुल रास्ता साफ रहे। ये देखिए सर, आप एक मनोज सर हमारे साथ हैं, वो आपको परीक्षा के रद्द होने के बारे में बताएंगे। ये बताएंगे कि जो है कैसे मेरठ, आगरा, बुलंदशहर, इन सब कानपुर ऐसे स्थानों पे पेपर कैसे लीक हुआ है, इसके बारे में तो आपको विस्तृत जानकारी देंगे। आइए सर मनोज। कौटिल्या बलरामपुर आप सभी का स्वागत करता है अपने ऑनलाइन चैनल के माध्यम से। ठीक, जैसा कि आप लोग समाचार पत्रों के माध्यम से देख ही रहे हैं हमेशा क्या चल रहा है इस समय, कोई भी परीक्षा आती है रद्द हो रही है। यह भी परीक्षा ही पेपर आउट हुआ, पहले से पता था, बहुत सारे लोगों ने बताया भी कि हाँ आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के संस्थान के द्वारा स्पष्ट तौर पे मना किया गया कि हमने पढ़ाया है बच्चों को, हम इस तरह के किसी भी कार्य में भागीदारी नहीं करेंगे। ठीक है, और आज सुबह 10 बजे पेपर स्टार्ट होना था, पेपर स्टार्ट हुआ, उसके बाद आधे घंटे बाद न्यूज आती है कि यूपी टेट के दोनों पालियों की परीक्षा रद्द कर दी गई। मतलब वैसा खेल चल रहा है आप लोगों के साथ, पता नहीं किस तरह से खेल चल रहा है, लेकिन बशर्ते आप निराश मत हों। ठीक, बहुत सारे न्यूज़पेपर आए, इंडिया टीवी आए, जितने बड़े न्यूज़पेपर हैं समाचार पत्र हैं आपके, चाहे इंडिया टीवी हो, दैनिक जागरण हो, दैनिक भास्कर हो, लाइव हिंदुस्तान हो, सबसे पहले तो लाइव हिंदुस्तान ने अपडेट किया था और बताया गया कि यूपी टेट की दोनों पारियों की परीक्षा कैंसिल कर दी गई है। तो उसके साथ साथ आप लोग ये ध्यान रखिए, तनाव मत लीजिए, मायूस मत होइए, आप लोग दोबारा क्लासरूम की तरफ लौटिए। पेपर वाकई में ईजी था, पेपर हमने भी देखा, सर ने भी देखा, पेपर वास्तव में बहुत ही ज़्यादा ईजी था। आउट वाला पेपर भी देखा गया, आउट होने के बाद आज के समय पर भी बाकायदे हाईलाइट करके उस पेपर को रखा गया है कि कौन सा ऑप्शन किस में से सही था। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप मतलब निराश मत होइए, आप लोगों की तैयारी अच्छी थी ये मुझे विश्वास है, क्योंकि संस्थान के द्वारा पढ़ा जो भी पढ़ाया गया मैं भी जुड़ा रहा हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आप लोगों के साथ। तो अब एक ये वजह है कि आप लोग निराश मत होना, दोबारा से कल से आइए, परसों से आइए, जब भी आप लोग टेंशन फ्री होकर आराम से आइए, क्लासरूम की तरफ बैठिए, जब भी अगली डेट निर्धारित की जा रही है उस अगली डेट में जाके पूरी ऊर्जा के साथ आप परीक्षा दीजिए। ये संस्थान हमेशा से आप लोगों का सहयोग करता रहा है, हर कदम पे आपके साथ रहा है, और इस क्या कहते हैं निराशा की घड़ी में भी आपके साथ रहेगा। हाँ सर, अगर इस व्यवस्थाओं पे बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि 20-21 लाख विद्यार्थी पेपर देने आए थे, ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और जिसने भी ऐसा किया हो, जो इस कार्य में लीन हो, उसको पकड़ करके अगर फांसी की सज़ा दी जाए तो भी कम नहीं है, क्योंकि बार बार इसी तरीके की जो ये घटना घटती है, ताकि जो है कड़ी सज़ा जब तक नहीं दिया जाएगा तब तक इसी तरीके से ढुलमुल रवैया होता रहेगा, और ये ढुलमुल रवैया अच्छे बच्चों के साथ सिर्फ खिलवाड़ हो रहा है। ठीक है, और किसी भी तरीके से ये विद्यार्थियों के पक्ष में नहीं है, मैं इसकी कड़ी भर्त्सना करता हूँ।
देखिए बच्चे जो हमारे साथ खड़े हुए हैं, ये बच्चे गए थे परीक्षा देने, यहीं एमएलके में कौटिल्या बलरामपुर के ही छात्र हैं, इनको बहुत निराशा हुई है। ये बच्चे वहाँ गए थे और फिर जो है जब 11 बजा तभी से पेपर से ये कहा गया कि आपका परीक्षा जो है रद्द किया जा रहा है, इनके खुद आप इनसे बात कर लीजिए, देखिए बात सुनिए इनकी। हम यहाँ कौटिल्या के स्टूडेंट हैं और सर का पढ़ाया हुआ सब आया था, बाल विकास बहुत अच्छा आया था और पर्यावरण बहुत अच्छा आया था, मैथ भी बहुत अच्छा आया था और संस्कृत भी बहुत अच्छा आया था। पेपर का लेवल बहुत ही अच्छा था और अगर होता तो फिर सारे बच्चों का अच्छा स्कोर आता, बट अब पेपर लीक होने की वजह से सब दिक्कतें आई। और नमस्कार, कौटिल्या बलरामपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज आप सभी को मालूम है कि टीईटी की परीक्षा हो रही थी और पेपर का जो स्तर था वो बहुत ही सरल था। जो भी वे विद्यार्थी रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे होंगे और कौटिल्या बलरामपुर की रेगुलर क्लासेस ले रहे होंगे, प्लस टेलीग्राम पे जो 7:30 बजे से टेस्ट चलती है वो भी कर रहे होंगे, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, उनका तो 130+ बनता ही था। लेकिन सरकार की कुछ लापरवाही के कारण पेपर बीच में ही ले लिया गया और पेपर निरस्त हो गया। ये बहुत ही अफसोस की बात है क्योंकि कौटिल्या के सभी विद्यार्थी अच्छा स्कोर करते इस पेपर में, ये परीक्षा इतनी सरल थी। तो इस ये वीडियो के माध्यम से बस यही बताना चाहते हैं कि पेपर टफ़ नहीं आता है, लेवल जो दे रहे हैं आप लोग उनसे संपर्क करके पूछ सकते हैं कि पेपर का स्तर क्या था। एकदम न्यूनतम से मध्यम स्तर तक था, जो थोड़ा भी पढ़ा होगा वो भी कर लेगा, जो कुछ नहीं पढ़ा होगा वो भी पास हो जाता। मतलब ये नहीं कि एकदम मंद बुद्धि वाले बच्चे, लेकिन जो रेगुलर रहे होंगे बस बीच में कोई त्रुटि के कारण वो नहीं पढ़ पाए होंगे, वो भी कहीं ना कहीं ये पेपर पास कर लेते। और जो जिनकी तैयारी अच्छी है, मेरा ये मानना है कि वो 130+ तो डेफिनेटली स्कोर करते, लेकिन इसको दुर्भाग्य कह लें या किस्मत ख़राब कह लें कि पेपर हमारा निरस्त हो गया है। तो आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, पेपर बहुत टफ नहीं बनेगा, इससे थोड़ा सा एक स्तर ऊपर ही रहेगा। धन्यवाद।